अभी हम लोग वड़कल के आसपास है, पर ये रास्ते देखो इतना रिस्की रोड है ना, हम देख सकते हो आप लोग इतना 30 के स्पीड पे जाना पड़ रहा है हम लोग। जस्ट रीच पनवेल, एक घंटे में पहुंच गए पनवेल में। थोड़ा सा उतर है, पानी का बोतल लेने गया आदित्य। वेलकम टू द व्लॉग, स्वागत है सभी का आपके एक नए व्लॉग में। तो फिर जैसे कि मैंने बोला था अब लास्ट व्लॉग में कि हम लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप, तो कल ही मैंने फ़ोन किया आदित्य भाई को, जाते हैं क्या। तो फिर हम लोग ने एकदम अर्जेंट नोट पे अभी प्लान किया है, ऑफिस से डायरेक्टली हम लोग निकल रहे हैं, घर से जाके सब लैपटॉप वगैरह रख के रायगढ़ जाने वाले हैं। पहले मेरे गाँव जाएंगे फिर रायगढ़ जाएंगे कल सुबह। तो फिर अभी 8 बजे निकल रहे, देखते हैं अभी कितना बजे पहुंचते हैं। पूरा जर्नी दिखाता हूँ आप लोग को फिर मैं आगे का। तो फिर स्टे ट्यून्ड फॉर द एडवेंचर। नाइट ड्राइव है, स्लो स्लो ही जाएंगे। तो फिर आगे जाके थोड़ा हॉल्ट लेंगे पनवेल, जैसे लास्ट ब्लॉग में लिया था पनवेल ब्लॉग बोल रहा भीमाशंकर ब्लॉग में लास्ट हॉल्ट लिया था पनवेल, फर्स्ट हॉल्ट लिया था पनवेल, उसके बाद नेक्स्ट हॉल्ट देखेंगे ये टाइम, क्योंकि डेस्टिनेशन अलग है इसलिए देखते हैं। यस ब्रो, यस यस रायगढ़ मैं एक्चुअली लोकेशन रिवील केला नव्हता। ओह शिट सॉरी। तो फिर मिलते हैं, चलो। पनवेल, एक घंटे में पहुंच गए पनवेल में। थोड़ा सा उतर है, पानी का बोतल लेने गया आदित्य, फिर अभी निकलते हम लोग पानी पी के पटक से, पहुँचना है 1 बजे तक घर पे। बीच में खाना खाने के लिए रुकेंगे, देखते हैं मानगांव साइड में रुकते हैं थोड़ा, मानगांव नहीं तो पोलादपुर में एक सेलर ढाबा करके उधर रुकेंगे और फिर हम लोग घर पर चले जाएंगे। फिर डायरेक्टली कल मॉर्निंग का आपको दिखाऊँगा रायगढ़ फोर्ट ट्रैक, मिलते हैं, चलो बाय। ठीक है हम लोग वड़कल के आसपास है, पर ये रास्ते देखो इतना रिस्की रोड है ना, हम देख सकते हो आप लोग इतना 30 के स्पीड पे जाना पड़ रहा है हम लोग को कि पूछो मत। अभी देखो अभी इधर से अच्छा चालू हो गया रोड, ये 20 के स्पीड पे भी गाड़ी स्लिप हो रही थी भाई। बहुत जो भी लोग आ रहे हो बहुत अच्छे से ठीक से आना, मॉर्निंग में तो समझ में आ रहा है, हम लोग नाइट पे आ रहे हैं, नाइट में भी जो लोग भी आ रहे हैं वो ठीक से आना, अच्छे से आना। स्पेशली बाइकर्स उन लोग के लिए मैं भेज रहा हूँ, कार का तो ठीक है बड़ा लाइट रहता है, हम लोग का थोड़ा लाइट भी छोटा है और लगाए नहीं है हम लोग ने बड़े लाइट, ये थोड़ा हम लोग को 30-40 की स्पीड पे हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी अभी अच्छा रास्ता चालू हो गया है, वड़कल में पहुँचेंगे, थोड़ा खाना खाएँगे और फिर आगे चले जाएँगे पोलादपुर के लिए। तो फिर मिलते हैं भाई लोग, चलो रेस्टोरेंट पे खाना खाया, मालूम नहीं कौन सा था पर अच्छा था, नाम मैं भूल गया, इतना देखा नहीं पर अच्छा था, बहुत बहुत सस्ते में हो गया। अभी नागुटने के आगे वड़कल पहुँचेंगे, अरे भाई ओवरटेक करके जा रहा है अपने को सुसाइड। ठंडी भी बहुत गिरी है भाई लोग, ये एडवेंचर मस्त मज़ा आ रहा है ये एडवेंचर में।
करना चाहिए, तो सिर्फ थोड़ा रोड ख़राब है इसलिए। ये तो बहुत मज़ा आएगा, ये मुंबई टू मेरा गांव तो पोलादपुर तक ही है, तो फिर पोलादपुर तक ड्राइवर जाने में लो आराम से। राइडर सब इधर कह रहा डाइवर्जेंस का ठीक से देख के आ जाओ, क्योंकि कौन से जगह पे बोर्ड्स नहीं है, तो फिर गाड़ी थोड़ा स्लो किया करो और डाइवर्जेंस ले लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग गलती से डाइवर्जेंस बोर्ड नहीं देखे, कहीं और चले गए थे, उधर रोड ही ख़त्म हो गया था, इसलिए थोड़ा वो सब देख के आना। रात को ड्राइव कर रहे तो मुंबई गोवा हाईवे पे, फिर हफ्ता हुआ मिलता है, मिलते हैं कल सुबह, रायगढ़ ट्रैक का दिखाऊंगा। फ्रस्ट्रेशन उसका निकाल दिया, मस्त रोड है एकदम, मजा आ गया। फाइनली आम्ही आता वरती चाललोय, पोलादपूरला पोहोचलोय, रात्रीचे वाजलेत 1:30। तर हा आमच्या गावचा रस्ता आहे पोलादपूर सडव। गुड मॉर्निंग भाई लोग, अभी हम लोग आ गए मेरे विलेज में, कल रात को 1:30 को आ गए थे, तो फिर अभी निकल रहे। हाँ आई, हाँ हाल तो फिर अभी वो रायगढ़ फोर्ट के लिए निकल रहे। बहुत लेट हो गया, सो गए तेरे लेट आया था, तो फिर मेरा भी घर, गांव का घर भी आपको लोग को दिखा दूंगा मैं कैसा है। तो फिर अभी फ़िलहाल तो निकल रहे, जब वापस आएंगे तो थोड़ा मेरे मैंगोज का ट्रीज है उसको पानी डालने जाने का है, तो फिर वो डालने के बाद पूरा सब दिखा दूंगा, मेरा फार्म वगैरह कैसे हम लोगों ने लगाए मैंगोज। तो फिर लेट्स गो रायगढ़, नेक्स्ट स्टॉप रायगढ़ निघालेला होता मी, तर तुम्हाला दाखवतो खाली उतरतोय सडवलीवर डिरेक्ट 44 किलोमीटर्स है नेक्स्ट काम कम।
कुठच्या पायथ्याशी पोहोचणार आहोत. घाट मार्ग चालू झालेला आहे आमचा. हो, खूप वेडावाकडा वेडीवाकडी वळणं आहेत. वरनं रस्ता पण खराब आहे. थोडा हिंदी मराठी ब्लॉग झाला आहे, थोडा समजून घ्या तुम्ही पण. जरा मराठीमध्ये पण महाराजांच्या राज्यात जाणार तर मराठी यायलाच पाहिजे. जे कोणी महाराष्ट्रात येणार असतील त्यांनी पहिली मराठी भाषा शिकली. येस. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. अरे अरे काय करायचं बोल. ठेवूया की नाही टाकीच्या पाठी. अच्छा ठीक. हा ठेवतो आणि त्यांना बदलून ठेव म्हणा. मी आल्याच्या नंतर हो चालेल. आता आम्ही आलो आहे रायगडच्या पायथ्याशी आहोत. रायगड रोपवेसाठी आता जायचं आहे, बघायचं कॉस्टिंग काढायचं किती आहे, म्हणजे किती पैसे आहेत. मग रोपवेने आम्ही वर जाणार रायगडावर आणि पुढे तुम्हाला दाखवूच इथे. आता गाडी पार्क केली आहे आदित्यने. 30 रुपीज इथे पार्किंगची कॉस्ट आहे बाईक. तर जातो आता वरती रायगडावर. चला. आता मी डिसाईड केलं आहे की न रोपवेने जाता ट्रेक करून जायचं. बघूया. कारण आम्ही हे नाही सांगणार, आम्ही हे नाही सांगणार की रोपवेला 3:30-4 तासाची लाईन होती म्हणून आम्ही चालत चाललोय. खूप खूप गर्दी आहे. पण तुम्ही मे बी एक दिवस आधी ऑनलाईन बुकिंग करून रोपवेने जाऊ शकता. आम्ही जस्ट एन्क्वायरी करून आलो. तर ते जे काही डिटेल्स असतील ते लिंकमध्ये शेअर करूच. सो आता ट्रेक सुरू होते आमची. इथून नाही, खूप टाइम आहे ब्रो अजून, म्हणून तुला बोललो गाडी काढ. पण तिथे पार्किंग होती का? चल आता भाई, परत कोण जाईल मागे पुढे करत बसेल. अरे यार परत ते हेल्मेट घ्या सगळं. चल आता पोहोच. एकदा जाऊन आलोय म्हणून मी तुला आधीच बोललेलो. चल तिथे गाडी घेऊया. कसलं वाटतं बघ ना.
कसलं वाटतंय बघ आता वाटणार आहे चढताना. चढलाय नाही आम्ही पायथ्याशीच जाऊन आलो एखादी पण ते पण सकाळी 4 वाजता आलेलो एकदा. चलो फिर भाई लोग हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो गया ऊपर चढ़ने का. सॉरी.